ये है बहुत ही सुंदर बस्तर दशहरे की शुरुआत, जहाँ पे आज माता निकल रही है दंतेश्वरी मंदिर से जगदलपुर के लिए। बहुत ही सुंदर प्रोसेशन शुरू हो रहा है, ट्राइबल ट्रेडिशनल डांसर्स आ गए हैं और पीछे मैया आ रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले फेस्टिवल बस्तर दशहरा के पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे यहाँ श्री राम की नहीं शक्ति की आराधना की जाती है और कैसे राजा पुरुषोत्तम देव ने 600 साल पहले पुरी जाकर रथपति की उपाधि पाई और सभी गांव और ट्राइब्स को एकजुट करने के लिए बस्तर दशहरे की शुरुआत करी और दिखाई 75 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत जगदलपुर में, जो रथ के लिए लकड़ी चुनने और लाने से होती है, और कैसे काचन देवी एक बच्ची में आकर राजा को दशहरा शुरू करने की परमिशन देती हैं। और बताई जोगी बिठाई और बेल पूजा से जुड़ी सुंदर कहानियां, अग्रेसिव लेकिन ब्यूटीफुल चार चक्के वाले फूल रथ की परिक्रमा और महाअष्टमी की रात होने वाली बलि की प्रथा, जो तांत्रिक रिचुअल है सभी भूतों प्रेतों को खुश करने के लिए ताकि दशहरा मंगलमयी हो, और इसी दिन में दंतेवाड़ा से होती है देवी माँ की विदाई। दंतेवाड़ा में शंकनी और डंकनी नदी के बीच बने दंतेश्वरी माँ के शक्ति पीठ में तैयारी हो रही है दंतेश्वरी माँ की छतरी और उनकी बड़ी बहन मावली माता की डोली की, जो 100 किलोमीटर दूर जगदलपुर जाएंगी बस्तर दशहरा के लिए सबको आशीर्वाद देने। उनकी विदाई होती है गन सल्यूट और खूब गाजे बाजे और ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस के साथ। पूरा शहर उन्हें विदा करने आता है और कुछ ही देर में वो इस गाड़ी में विराजमान होकर जगदलपुर के लिए निकल जाती है। छोटे हो या बड़े, लोग अपने अपने तरीके से पूरे रास्ते उनका स्वागत करते हैं और अगले दिन यानी कल होता है लाखों की भीड़ इकट्ठी करने वाला बस्तर दशहरे का सबसे बड़ा इवेंट, मावली परघाव या माता का वेलकम, जिसका प्रोसेशन राजा के महल से स्टार्ट होता है। और इसी दिन ये काफी अग्रेसिव आंगा देवी और देवता दूर दूर अपने गांव से यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। बस्तर दशहरे में सबसे जरूरी है आंगा देव से बच के रहना, क्योंकि वो कहीं भी घुस सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। एक्चुअली ट्राइबल एनिमिस्टिक कल्चर में हर गांव के अपने फॉर्मलेस और बहुत पावरफुल देवी या देवता होते हैं, जो लकड़ी या पत्थर में विराजमान होते हैं। ये डेटीज यहां वहां मूव कर सकते हैं, इसलिए दशहरे के समय पूरी विधि करके इनके एक अंग या पार्ट को लकड़ी की सवारियों में लाया जाता है। कोई इन्हें एक लकड़ी के डंडे या लाठ में लाता है, कोई छतरी में, कोई कोला में जिसे दो लोग उठाते हैं, और सबसे ज्यादा आंगा जो चार लोग मिलकर उठाते हैं। क्योंकि ये देवी देवता के एक अंग है, इन्हें बोला जाता है आंगा, और इनको लाने वाले ट्रांस में रहते हैं क्योंकि देवी देवता उन पर सवार हैं, और इसी वजह से उन्हें अपने रास्ते में कुछ नहीं दिखता माता को छोड़ के, जिसके दर्शन के लिए वो आए हैं, या फिर राजा के, जो कि मैया के मेन पुजारी हैं, इसलिए माता के समान उन्हें दर्जा मिलता है। आंगा के रास्ते में जो भी आए वो अपने रास्ते से हर किसी को हटाते सीधा चलते जाते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल लोग हो या पुलिस। बस आंगा घुसेगा, इंसान नहीं घुसेगा, आंगा घुसेगा, इंसान नहीं घुसेगा, आने दो, आने दो। उनसे बचना हो तो सामने आते ही उन्हें झुक कर प्रणाम कर दो तो वो रास्ता बदल कर निकल जाएंगे। जय हो, जय हो।
महल के बाहर सभी ट्राइब के लोग अपने अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर पूरे जोर शोर के साथ राजा जी निकलते हैं मावली देवी का वेलकम करने। This is by far the craziest festival that I've been on. It is really electric. Raja ji ka mahal piche. Lakhon log hai, lakhon. लाखों की भीड़ होती है और हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल। पर आजकल भीड़ कंट्रोल करने के लिए वेलकम प्लेस पर बैरिकेड लगा दिया जाता है, लेकिन भीड़ के साथ आंगास को भी रोक दिया जाता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें अपनी देवी से मिलने से रोका जा रहा है। पुलिस हो या बैरिकेड, आंगा कैसे भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं पाता। एक्चुअली ये त्योहार तो उन्हीं का है और देवी भी उनकी, तो क्यों झेलें वो ये वीआईपी कल्चर या सिक्योरिटी। और इसी तरह वेलकम के बाद पूरा प्रोसेशन वापस महल के दंतेश्वरी मंदिर की तरफ चला जाता है। इन रिचुअल्स के बाद लोग कहीं खाना पीना एंजॉय करते हैं, कुछ लोग मेला देखने चले जाते हैं और कुछ लोग पूरी सड़क पे लगे लोकल अल्कोहल महुआ मार्केट चले जाते हैं, जो सब कुछ देर रात तक चलता रहता है। इन कुछ दिन कई गवर्नमेंट ऑफिसेज भी पूरे महुआ मार्केट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लोग अपने अपने गाँव से बना कर लाते हैं। और अगले दिन होती है भीतर रैनी या 8 चक्के वाले विजय रथ की परिक्रमा। महल के बाहर देव खेला चलता रहता है और अंतिम रथ परिक्रमा के बाद यादव और धाकड़ समाज की कुछ सौभाग्यवती महिलाएं, जिन्हें रावरिन कहा जाता है, घूंघट में ढकी धीरे धीरे महल से बाहर आती हैं और देवी की आरती उतारती हैं। और आंगा अपनी देवी की भक्ति में मस्त रहते हैं। Yeah!
लोग उनसे बचकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर देर रात किसी भी समय पूरे एरिया की बिजली गुल हो जाती है और डंडामी माड़िया ट्राइब के लोग रथ चोरी करके 3 किलोमीटर दूर कुमड़ाकोट जंगल में ले जाते हैं। जी हाँ, इस रात रथ चोरी हो जाता है। इसके सबसे पॉपुलर रीजन और कहानी के हिसाब से एक राजा अपनी मस्ती में इतना मस्त हो गया कि सारी पावर उसने अपने सेनापति को दे दी और वो सब पे बहुत अत्याचार करने लगा और बहुत टैक्स वसूलने लगा। एक दशहरे पे राजा डंडामी माड़िया ट्राइब के लोगों को इनवाइट करना और उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी भूल गए, जिससे नाराज होकर वो लोग विजय रथ चुरा लेते हैं। इससे राजा को सेनापति के अत्याचार का भी पता चलता है और वो धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद से बस्तर दशहरे में जुड़ जाता है बाहर रहने का रिचुअल, जिसमें राजा खुद रथ को लेने कुमड़ाकोट जाते हैं। आज के दिन का सेलिब्रेशन कुछ अलग ही खूबसूरत होता है। हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल तो होता ही है। कहीं देवी देवता अपना खेला दिखाते हैं। सडनली बारिश शुरू हो गई है, सब भाग रहे हैं, लेकिन रथ के जस्ट पीछे सुंदर सा रेनबो निकला है। यू सी, ब्यूटीफुल। जय हो। हर एक ट्राइब अपने अपने तरीके से खुशी एक्सप्रेस करती है। और एक झोपड़ी जिसमें काचन देवी और रायला देवी का स्थान होता है। देवी का पूजा किया जाता है हाँ। पेड़ के नीचे में। उसके बाद यहाँ से जो है राजा यहाँ से परिक्रमा चालू होता है यहाँ करने के बाद। फिर राजा पूरी करता है नया खाने की रस्म, जिसमें वो माड़िया लोगों के साथ उनके पहले धान कटाई का खाना खाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें रथ वापस कर दें। फिर वो राजा को खुशी खुशी रथ लौटा देते हैं और सब हैप्पीली महल की ओर लौट जाते हैं। रथ की वापसी और सेलिब्रेशन देखने के लिए मैं पैलेस के ऊपर चला गया और वहां से जो मैंने नज़ारे देखे वो किसी मैजिक से कम नहीं थे। आंघा भीड़ को दूर करने का काम करते हैं। इतनी भीड़ और इतना ग्रैंड और इतना ब्यूटीफुल वेलकम होता है। पहले तो राजा खुद रथ में बैठ के आते थे, लेकिन आजकल वो आगे अपनी गाड़ी में होते हैं।
फिर रथ को महल के बाहर छोड़ दिया जाता है और राजा देवी का धन्यवाद करने मंदिर जाते हैं। लेकिन महल के बाहर सेलिब्रेशन बहुत देर तक चलता रहता है, क्योंकि आज बस्तर दशहरे के मेन सेलिब्रेशन की आखिरी रात है। अगले दिन मुड़िया दरबार लगता है, जहां सभी गांव के चीफ या मांझी अपनी प्रॉब्लम्स राजा को बताने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो आजकल राजा की जगह करंट चीफ मिनिस्टर आकर अटेंड करते हैं। कुछ दिन के बाद देवी की विदाई होती है दंतेवाड़ा की तरफ, और 75 दिन चलने वाला इस अमेजिंग फेस्टिवल का समापन होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस अमेजिंग बस्तर दशहरा सेलिब्रेशन, सो टेल इट टू योर फ्रेंड्स and next time plan to come here and many more stories from Bastar coming up, so I'll see you in my next story. Khushiyan always.